नित्यानंद और कैलाशा, ये दो नाम एक बार फिर से चर्चा में है। नित्यानंद वो शख्स है जिस पर भारत में दुष्कर्म के साथ ही कई मामले दर्ज हैं, वहीं कैलाशा बनाया गया कथित हिंदू राष्ट्र है। ये दोनों नाम चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कैलाशा की एक प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मंच पर देखा गया। जिनेवा में हुई इस मीटिंग में कैलाशा की प्रतिनिधि ने भारत पर कई आरोप लगाए हैं। मीटिंग के बाद कैलाशा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की गई, उसमें कहा गया कि यूएन की एक महत्वपूर्ण बैठक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा की तरफ से विजय प्रिया नित्यानंद शामिल हुई। कैलाशा की वेबसाइट पर विजय प्रिया को यूएन में कैलाशा का परमानेंट एम्बेसडर बताया गया है। और इतना ही नहीं, यूएन की इस बैठक में विजय प्रिया ने भारत पर प्रताड़ित करने का आरोप तक मढ़ दिया। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijaya Priya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam, and who is reviving the enlightened Hindu civilization and its 10,000 indigenous traditions of Hinduism, including the Aidi Shaivite indigenous agricultural tribes. चलिए जानते हैं कि आखिर दुनिया के नक्शे पर नित्यानंद का हिंदू राष्ट्र यानी कैलाशा आखिर है कहां? इसकी आबादी कितनी है और यहां कौन सा कानून चलता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक भगोड़े नित्यानंद का देश कैलाशा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यहां उसने जमीन खरीदी और इसे अपना देश घोषित कर दिया। भारत से इस देश की दूरी करीब 17,000 से 18,000 किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो कैलाशा की वेबसाइट जनसंख्या को लेकर एक अजीब सा ही दावा पेश करती है। उनका दावा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उनके देश के नागरिक हैं और इसमें 1 करोड़ लोग आदि शिव को मानने वाले हैं। हालांकि यूएन में विजय प्रिया ने दावा किया था कि कैलाशा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में कैलाशा ने एम्बेसी और एनजीओ खोल रखे हैं। इस देश का एकमात्र धर्म हिंदू है और इसमें संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं चलती है, यानी कि इस हिंदू देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है। कैलाशा में चलने वाले कानून की बात कर लें तो इनका दावा है कि यहां शास्त्रों और मनुस्मृति पर आधारित कानून चलता है। यहां रहने वाले लोग मनु के नियमों को मानते हैं। कैलाशा की सरकार इसे ही सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्म शास्त्र मानती है। वेबसाइट के मुताबिक इस किताब के जरिए ही 1,500 साल पहले प्राचीन भारत में नियम और कानून का पालन किया जाता था। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कई सवाल छुपे हुए हैं, मसलन कि ये नित्यानंद आखिर देश से भागा क्यों और इसे एक पूरा देश बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूएन ने इसे अपना परमानेंट मेंबर बना लिया है। तो आपको बता दें कि रेप का आरोप लगने के बाद नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गया था। उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में जाकर जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया और इसे अपना देश घोषित कर दिया। देश का नाम कैलाशा रखा गया। नित्यानंद इसे हिंदू राष्ट्र बताता है। कैलाशा की वेबसाइट का दावा है कि इस देश में दुनिया भर में सताए गए हिंदुओं को सुरक्षा दी जाती है। यहाँ रहने वाले हिंदू जाति और लिंग का भेद किए बिना शांति से रहते हैं। कैलाशा का एक अपना रिजर्व बैंक, खुद की करेंसी और अपना संविधान होने का भी दावा किया जाता है। दरअसल नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ। नित्यानंद ने 1995 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दावा है कि 12 साल की उम्र से ही उसने रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 2003 को नित्यानंद ने अपना पहला आश्रम बेंगलुरु के पास बिदादी में खोला। उसके बाद उसने कई आश्रम खोले। 2010 में नित्यानंद पर धोखाधड़ी और अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया। दरअसल उसकी एक सेक्स सीडी सामने आई थी। मामले में नित्यानंद को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कुछ ही दिन में उसे जमानत मिल गई। इसके बाद साल 2012 में नित्यानंद पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद 2019 नवंबर में फिर से उस पर 2 लड़कियों के अपहरण और उन्हें बंदी बनाने का मामला दर्ज किया गया। अब सवाल यह है कि क्या यूनाइटेड नेशंस जैसा एक प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन एक स्वघोषित देश को सदस्यता दे सकता है? तो आपको बता दें कि ऐसा कतई नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में नित्यानंद का कैलाशा देश मेंबर नहीं है। दरअसल
यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग मीटिंग्स अलग अलग लेवल पर की जाती है जिसमें नॉन मेंबर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से नित्यानंद के देश की इस रिप्रेजेंटेटिव ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा और फिर वहां जाकर अपने देश की बातें विश्व पटल पर रखने की कोशिश की होगी। इसके साथ ही इस रिप्रेजेंटेटिव ने भारत देश पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आगे देखना होगा कि भारत इस पर क्या एक्शन लेता है और क्या नित्यानंद को वापस भारत लाकर उस पर ट्रायल किया जाएगा, ये भी देखना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नित्यानंद के इस देश को वाकई में एक देश घोषित कर देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, या आपको लगता है कि नित्यानंद जैसे ढोंगी एक फ्रॉड है और इन पर बकायदा ट्रायल होना चाहिए? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।